like a Hellcat. हे यो गाइस, मैं मनी और आप देख रहे हैं मिस्टर लेट गेमर। तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा हैकी पार्ट वन। तो मैंने ये वीडियो बनाना था, लेकिन लोकीक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ गया था, इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो अभी गेम को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाऊंगा हैक्स, थोड़ा सा हैक्स दिखाऊंगा आप लोगों को मैं हैकी में। ये है मेरा वर्ल्ड हैकी वाला, तो इसमें मैं ज्वाइन कर लिया था अभी बहुत दिनों के बाद। मैंने आप लोगों को पता होगा, शायद 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें आप लोगों को मैंने दिखाया था कि ये हैप्पी मोड के बारे में इसको पता नहीं है। वो पहला वाला वीडियो वो देख के आना, फिर ये वीडियो देखना, अच्छा लगता है। गाइस, इतना बड़ा गेम विदाउट पेइंग में खेल रहा हूँ, बहुत बड़ा है ये। तो गेम को स्टार्ट करते पहले तो लोड हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और गाइस, इस वीडियो का लाइक टारगेट है ओनली 18 लाइक्स। तो ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रा भी है, और आपको इधर में ये जो है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले, इलेक्ट्रा है मेरे हाथ में, आपको शील्ड मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। ये देखिए शील्ड है, फिर मतलब अरे इसमें क्या डायमंड्स का कुछ नहीं मिलता क्या इसमें? डायमंड्स का जो हाँ मिलता है, सॉरी। ओ, नेदरराइट का शवल मिलता है भाई साहब, नेदरराइट का शवल। अरे भाई, नेदरराइट का पिकेस भाई, ये बहुत अच्छा गेम है। तो मैं चलो आपको दिखाता हूँ हैकी स्टार्ट करता हूँ मेरा। तो पहला हैक है मेरा फायर स्नोबॉल, जिसको पता है तो स्टार्ट करते गेम। तो पहले मैं ले लेता, इसको ड्रॉप कर देता हूँ हाथ से मेरा। तो ये ड्रॉप इसको दबा के रखना पड़ता है, ऐसे ड्रॉप कर दिया मैंने। अभी मेरे पास ये लावा बकेट लेना पड़ेगा, एक लावा बकेट, और ये ऑब्सिडियन, ये एग, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो ये मैं इधर एक काम करता हूँ, ये जो थोड़ा सा ऑब्सिडियन है ना मेरे पास, ये मैं इन्वेंट्री से ये सब कुछ रख देता हूँ, तो ये चेस्ट के ऊपर रख देता हूँ, तो पता चलेगा कि ये है ख़त्म, मतलब ट्राई कर लिया है मैंने। तो ये मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, ये रख पाएगा कि नहीं, अच्छा रख दिया मैंने, तो अभी उठ जाता हूँ। ठीक है, अभी ये हैक जो है मैं ट्राई करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो है ऊपर ऐसे आना पड़ेगा क्रिएटिव में, तो इसके बाद इधर थोड़ा सा गड्ढा करना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बेडरॉक आ गया। ओए ओए ओए, मैंने बेडरॉक तोड़ दिया है। तो ये पहले आप गड्ढा करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जी गड्ढा कर लिया है, तो आपको पहले ऊपर से ऐसे नीचे से एक ऐसे उठाना पड़ेगा, एक दरार उठाना पड़ेगा ऐसे। इसके बाद आपको ये जो है इसमें एक और, इसके बाद सॉरी, इसमें इधर इधर इधर, इसके बाद आपको मेजर करना है कि ये से ठीक जा रहा है कि नहीं। ये शायद अभी कंप्लीट नहीं है, एक और ब्लॉक आगे आएगा, इसके बाद इधर थोड़ा आपको खोखला रखना है, मैं अब दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़। और ये आपको पहले दिखाता हूँ, ये मैं बना के, अरे क्या लग रहा है भाई, ये एक एक ओके। तो इधर आप लोगों को जो है यहाँ पर एक गड्ढा और यहाँ पर एक गड्ढा कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद ये जो गड्ढा, मतलब ये दरार जो आपने उठाया था, ये आपको नीचे कम कर लेना है, और ये जो है आपको ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये आपको तोड़ लेना है। इधर आप लगा दो, ये लगा दो, तो आपको देख लेना है ये सब कुछ मेजरमेंट में है कि नहीं। तो ये इसका जो मेजरमेंट है, इसके हिसाब से ये बंद कर देता हूँ मैं थोड़ा, ये और एक मिनट, ये सब कुछ बंद कर देता हूँ मैं, ये और ये सब कुछ बंद कर दिया मैंने। और 3 नहीं 2 ब्लॉक्स का गैप है, तो
अच्छा ये रहने दो। तो अभी इसमें आप लोगों को डालना है, इसमें आप लोगों को डालना है अभी लावा बकेट। तो लावा बकेट डाल लेता हूँ मैं इधर से। तो इधर थोड़ा रोशनी कर देता हूँ, थोड़ा लाइट के लिए। आप अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लाइट दिखा देता हूँ मैं इधर थोड़ा। इधर एक टॉर्च। अरे यार इधर नहीं, एम्प्टी बकेट लाओ यार। ये तो नहीं भाई, ट्राइडेंट भी है इसमें, टर्टल शेल सब कुछ है इसमें। तो ठीक है, मैं पहले ये वो खाली वाटर वाटर नहीं सॉरी, इसको हटाओ यार। ये क्या बोलते हैं, बकेट, बकेट लेता हूँ मैं पहले, बकेट। नेक्स्ट, तो ये क्या है भाई, बकेट ऑफ सेलमोन। छोड़ो छोड़ो, पहले आप ये, पहले हमें बकेट चाहिए। बकेट इधर हाथ में रखते हैं और ये जो है ये बंद कर लेते हैं, और इधर जो है एक दे देते हैं, ये वाला, ये वाला, ये और ये। ठीक है, ओके। तो गाइस अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, इधर एक बकेट और इधर एक बकेट। ओके, तो अभी इसको नीचे आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, इसको नीचे आने दो। तो ये इधर आके अटक गया, मतलब इस ये वाला जो ब्लॉक मैंने किया था ये दिखता ही नहीं कुछ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्नोबॉल जो है आपको हाथ में लेना पड़ेगा। मैं आपको कैसे दिखाऊं अभी, ये कहाँ से शुरू हो गया भाई। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं 3 हैक्स दिखाऊंगा। तो आप देखो, ये है, ये जो स्नोबॉल है ये नॉर्मल स्नोबॉल है, कुछ भी इसमें मैंने नहीं किया। ये देखिए नॉर्मल स्नोबॉल, इसके थ्रू अगर आप मारते हो तो ये कैसे दिखाओ आप लोगों को, ये जो है पूरा का पूरा आइस का बन, मतलब आइस का तो होता ही है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्नो बॉल जो है वो फायर बॉल में पलट जाता है। तो आप देख सकते हो ये फायर बॉल जा रहा है। तो मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर से बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ मेरा, जो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, ये बिल्ड करने दो पहले। तो इधर बिल्ड करके मैंने जो बहुत सारा एग्स लिया था वो इधर स्पॉन कर दूंगा मैं, बहुत सारा स्पॉन कर लूँगा। अरे कहाँ स्पॉन हो रहा है। ओके, विलेजर सब कुछ, सब तरह के जो विलेजर्स है वो स्पॉन हो रहा है। ओके, अभी ये इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ये इतना काफ़ी है। तो अभी मैं जो है इसको मारने वाला हूँ। तो देखना, ऐसे मारूंगा तो इसमें आग नहीं लगेगा, जो विलेजर्स है वो सिर्फ दर्द दर्द देंगे, लेकिन इससे मारूंगा तो गाइस मर भी सकता है। ये क्या, ओ भाई इससे मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप, इधर उसके पास जाने पे ये ट्रेड का ऑप्शन में दबाना दबाना है, तो ये ट्रेड कर सकता हूँ मैं इससे। ठीक है, तो बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको हैक्स का मैं दिखाता हूँ। इसमें सब कुछ है, ये आपका लाइफ चेंज कर देगा। ये माइनक्राफ्ट जो गेम है ये आपका लाइफ चेंज कर देगा। इसके थ्रू आपको मारना है, इसमें थ्रू, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसमें इसके थ्रू मारने पे आप लोगों को फायर फायर चार्ज बॉल की तरह कुछ मिलता है। तो और मारता हूँ तो मैं, तो ये हैक भी काम कर रहा है। तो अपना जो नेक्स्ट हैक है उसकी तरफ चलते। नेक्स्ट हैक किसकी तरफ है, नेक्स्ट हैक कहाँ पर है। तो नेक्स्ट हैक जो दिखाऊंगा आप लोगों को, रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेटर है। हाँ ठीक है, तो ये जितना भी सामान है मैं लावा में थ्रो कर देता हूँ, क्योंकि इसका तो अभी कोई काम नहीं है। इस जितना भी हैक का सामान है वो सब कुछ उस चेस्ट में है, इसके साथ जो चेस्ट होता है। ये भी गया, ये भी गया, तो ये भी थ्रो कर देता हूँ। सब कुछ थ्रो करके उसके पास चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो रेफ्रिजरेटर का हैक आप स्टार्ट कर लेते हैं, या आपके जो माइनक्राफ्ट के जो होम है उसमें आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, माइनक्राफ्ट में के होम में आप लगा सकते हो, ये एक शानदार चीज़ है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, ये बहुत इजी भी है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कैसे क्या क्या, मैंने सब कुछ समझ के इसमें सोच समझ के बनाना पड़ेगा। तो मैं बना लेता हूँ, इसके पीछे बना लेता हूँ, एक ब्लॉक रख देता हूँ इसके ऊपर ताकि समझ में आए। ये ख़त्म है, ये जो ऐसे नहीं सॉरी, ये ऐसे बैठ जाओ, उसके बाद इसके ऊपर ये, अच्छा ठीक है, चलो तो भी चलेगा।
अभी एक बेस आपको बना लेना है इसके पीछे। मैंने डेकोरेशन के लिए ये जो ब्लॉक है मैंने ये आपको दिखा, तो पहले इन्वेंटरी में जाओ, इन्वेंटरी के इधर ये गोल्डन का ब्लॉक है, तो गोल्डन ब्लॉक में लाता हूँ इधर, इसके जगह में रखता हूँ। और पहले आपको ऐसा एक मतलब बड़ा सा, क्या कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 4 5 6 बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको कुछ वाल खड़ा करना पड़ेगा, तो मैं खड़ा करके आपको तो दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखेगा ये वाल, तो आप कैसे भी आपको डेकोरेट करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं पहले बनाता हूँ, पहले आपको ऐसा एक बेस बनाना पड़ेगा जो रेफ्रिजरेटर है, तो ऐसा बना के इधर थोड़ा कट कर लेना है आपको। तो मैं पहले बना के फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले इधर दो ग्लासेस जो है आपको रखना है इधर, ये ऐसे ऐसे, तो आपको ग्लासेस रखना है, और इधर आपको रखना है ये जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स ऑफ गोल्ड है मेरे पास, तो ये ब्लॉक्स आपको रखना है ऐसे, सुंदर के लिए मैं रख रहा हूँ, आप डट से भी बना सकते हो। तो इधर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये ये इधर इधर ऐसे इसको कट कर दो, इसे इधर से तोड़ दो, इसे इधर से, तो ये बुक शेल्फ जो है आप लोगों को, बुक शेल्फ, दो बुक शेल्फ ऐसे, क्या कर रहा हूँ मैं, तो जो दो बुक शेल्फ है आपको ऐसे इधर रखना पड़ेगा ताकि सुंदर लगे, कुछ है इसके अंदर ऐसा लगे, तो ऐसे बाकी का आप जो है ढक दीजिए, इधर से ऐसे ढक दीजिए ताकि कोई इसे तोड़ ना पाए, अगर आप सबके साथ खेल रहे तो ये तोड़ देंगे शायद, ऐसे तोड़ नहीं पाए, तो ऐसे मैं सजावट कर देता हूँ इधर से, थोड़ा सजाने के लिए है थोड़ा सा, तो ये हट, तो इधर थोड़ा ये जो ये कांच मैंने लगा दिया है इसको तोड़ दो। अभी ये इधर आप मतलब पेंटिंग भी लगा सकते हैं, और मैं पेंटिंग नहीं लगाऊंगा, मैं ये जो प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट लगाऊंगा इधर, एक प्रेशर प्लेट लगा के इधर प्रेशर प्लेट लगा दूंगा, और इधर जो है मैं तोड़ दूंगा, इधर से थोड़ा सा तोड़ दूंगा ऐसे, इधर से मैं जो ये डिस्पेंसर है इसको इधर लाऊंगा, और इधर प्रेशर प्लेट है वो उसको रिप्लेस कर दूंगा। अभी इसमें आप लोगों को ये रखना है, आप लोगों को ये जो डिस्पेंसर बोलते हैं इसको रखना है ऊपर ऊपर करके, और ये जो है आपको बंद करना है, लेकिन पहले मैं आप दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इसमें दबाना है, इसमें कुछ फल वल कुछ रखना है आप लोगों को ऐसे ऐसे, फिर ऐसे कुछ भी आपको रखना है, जिस जितना भी आपके पास सामान है, मैं जितना भी है ये सब कुछ रख रहा हूँ इसमें। तो अभी आप लोगों को ये ऐसे कुछ डेकोरेशन के लिए है, मैं ऐसे ढक रहा हूँ, ये ऐसे ढक रहा हूँ इसको, सॉरी इधर ऊपर बैठ के, बस ये आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो रेडी है, इसमें आप आ जाओ, फिर आपको मिल गया अपना सामान, ये फिर इधर दबाओ आपको मिल गया, ये देखो आपको मिल रहा है ना सब कुछ रेफ्रिजरेटर का। अभी आपको मैं जो है ये यूज़ करके दिखाता हूँ, सॉरी ऐसे नहीं, ये जो बैठ जाता हूँ मैं, ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाता हूँ, ये जो बटन है इसको यूज़ करता हूँ मैं, बटन आया नहीं, हाँ आया, तो बटन को आपको इधर लगा लेना है ऐसे, इधर एक बटन, ठीक है, तो आपको मिल रहा है ना सामान, ये देखिए जितने बार आप दबाओगे सामान आपको मिलता जाएगा, तो ये आप फिर से कलेक्ट कर लो। तो कैसा लगा इसके लिए भी एक लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा परिश्रम का काम है ये। अभी आता है हमारा बिगेस्ट पोर्टल, ये भी जला के रख देते हैं हम लोग, जला के आते हैं ये लोग, ये चीज़ें मैं जला देता हूँ, तो ये जितना भी है मैं जला के मैं चेस्ट के पास आपको मिलूँगा। तो गाइस अभी मैं जो बिगेस्ट एंड पोर्टल है वो दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आपको इसमें दबा लेना, ये एंडर आई कहाँ से आ गया,
ये इधर ड्रॉप कर देना है आप लोगों को। तो इसके बाद आप लोगों को बनाना है जो बिगेस्ट टेस्ट है, ये बहुत बड़ा है। तो ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ, बहुत बड़ा होगा, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही दिखाता हूँ मैं। ये अरे ये ऊपर थोड़ा और, ठीक है, ऐसे आप बहुत बड़ा कर सकते हो। ये इंच, ये बहुत बड़ा है एंटर पोर्टल, इसके अंदर आप घर भी कर सकते हो, बहुत बड़ा है एंटर पोर्टल है ये, एंड पोर्टल है ये। तो ये मैं बहुत लंबा खोदते जाऊँगा। ये घोड़े इधर मत आ, मार दूंगा तेरे को। ये चलता कैसे, इसका पाव तो एकदम बंद है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा और ऊंचा करते हैं, ऐसे। ठीक है, ये बहुत ऊंचा है, अभी थोड़ा और। ठीक है, अभी आपको जो है ऐसे करके थोड़ा सा आपको जाना है, ऐसे करके आपको लास्ट तक। ये क्या हुआ, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो पे लाइक कर देना, मेरा गला सूख गया। तो इस वीडियो पे प्लीज़ लाइक कर देना, ये बहुत बड़ा वीडियो है और बहुत टाइम भी लगा रहा है ये वीडियो बनाने में। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो फ्रेम जो है ये स्टार्ट पूरा हो गया है। अभी सिर्फ आपको फ्लिंट से आग लगा देना है इसमें। तो इधर से फ्लिंट, अच्छा एक मिनट रुको, समझ गया, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। मैं एक काम करता हूँ, इधर से जो है ये थोड़ा बंद कर देता हूँ। आप लोगों ने जो देखा है ना, जो पोर्टल बनाता है बहुत छोटा, ये देखिए आप कितना बड़ा है ये, देखा आपने, दो बना सकते हो आप, इतना बड़ा है ये। तो इसके अंदर भी जाके दिखा दो, ये वर्क करता है असली में, बिल्डिंग टेरेन। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 18 लाइक्स, प्लीज़ कर देना इस वीडियो को लाइक। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है ये, तो इसको टाइम लेने देते हैं थोड़ा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी, तो ये है घास्ट के उसमें, अच्छा आग नहीं लगा सकता मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ। तो नेदर पोर्टल में कोई विदर स्पॉन कर सकते हैं क्या, ये इतना छोटा क्यों है भाई, तेरी इतना छोटा क्यों है भाई ये।